हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। सो गाइस, एक मसला है, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि पोस्टिंग जो है उसका टाइम हम लोग फिक्स करते हैं 2 बजे, ठीक है। और कमेंट्स आप लोग जितना हो सके करें, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा जो मुझे अच्छे लगेंगे। और कमेंट्स में मुझे ये भी बताया करें कि व्लॉग नेक्स्ट किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि मेरा स्टार्ट है, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे आप लोग की हेल्प ज़रूर चाहिए। तो इन दी एंड हम 2 बजे व्लॉग पोस्ट करेंगे, कमेंट्स आप लोग करोगे और मुझे आइडियाज़ भी दोगे, हम कमेंट्स में बातें भी करेंगे। सो हे फैम, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आप लोग एक क्लिप एंजॉय करो, फटाफट से नाश्ते के लिए चलते हैं। क्या हुआ, यहाँ क्या कर रही हो? स्नैप बन रही है, स्नैप। दोस्तों देख लो, ज्यादा देखता है जब मन नाश्ते में देती क्या है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं, आप किधर गायब हैं? मैं तो यही हूँ आपके दिल में, आपके दिल में तो कोई और है। गंदी बातें कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। क्या तो एक दिन पहले बता दो कि हमें नहीं, ये नहीं, आप बता के जाओ। हैं नहीं, सही कह रही बात है बाजी। हम तो वैसे कोशिश है, हम छुट्टी तो करती नहीं है। पीछे बैठा हुआ मुझे मार, बहुत मजाक करने लगी है दादी। दादी मैं सुना, आप मेरे लिए झींगे लेके आई हैं? झींगे कहाँ से मिलते हैं, मुझे क्या पता? आपको क्या मालूम? तो आपको पता होना चाहिए ना। मैं थोड़ी जाती हूँ बेटा, आपको खिलाऊंगा झींगे लाके। अरे नाश्ता दे दो रे। अरे दादी नाश्ता नहीं मिल रहा, क्या करे, शीशे की है। अरे नाश्ता तो दे दो रे। तो अब वक्त है नाश्ते का, नाश्ते में बस कीमा रोटी, हम नाश्ता करेंगे चुपचाप और बस। चुप चुप। तो गाइस, इसने मुझे चैलेंज दिया कि आओ मेरे साथ रॉक पेपर सीजर खेलो और जो जीता वो काटेगा बाल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब अगर मैं जीता तो मैं इसके बाल काट दूंगा, ये जीती तो ये मेरे यहाँ से बाल काट दूंगा। नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से। अच्छा अच्छा, मैं पागल हूँ, अपने बाल। रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, रॉक पेपर सीजर, टाटा गुड बाय। मैं खुद निकाल के दूंगी। अगर ये कोई फेक प्रैंक नहीं है, ये रियलिटी है। ये मेरे बाल है, ये मैंने कोई विक्षिक नहीं लगाई हुई, मुझे पता है। और ये अब मैं कटेंगे और इतने से कटेंगे बिल्कुल, पकड़ो गिरेंगे नीचे। बाबू भैया कैसा लग रहा है आपको अपने बाल कटवा के? और ये बाल इसके असली थे जो कि मैंने काट दिए। भाई चैलेंज तो चैलेंज होता है भाई। हाँ हाँ, देख लिए लोगों ने, देख लिए। और सबसे बड़ी बात कर ली, क्या हुआ, भाई और मैं ना लेटे हुए, भाई ऐसे उठे तो भाई ने ना मेरे बाल वैसे ही तोड़ दिया। बताओगे कितने सारे बाल थे ना? हाँ, इतने सारे बाल आए थे इसके मेरे हाथ में। हाँ तो अभी एक सरप्राइज है आप लोग के लिए। तुम क्यों हंस रही हो? क्योंकि मुझे तो सरप्राइज पता है ना। कोई ऐसा चैलेंज लाए कि जिसमें आप मुझे हरा सके, तो आप भी मेरे बाल काट सकती है या आप मुझे जो चैलेंज है मैं वो पूरा कर सकता हूँ। गंजी, या तो तुम गंजी होगी या तो मैं गंजा होऊंगा, ये डन है। और एफिशिएंसी में जो है उन्होंने अपना खुद का घुटना अपने गाल में मार लिया और पूरा लाल हो गया है गाल। वाकई में लाल हो रहा है? हाँ बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हारी वजह से हुआ? मेरी वजह से। सुबह से मुझे कोई चोट नहीं लगी, तुम्हारे आते लगने शुरू हो गई। मेरी क्या गलती? अब देखो कोई चैलेंज खेलते हैं और मैं तुम्हें बताता हूँ। हम जा आउटफिटर जा रहे। ए, मेरा कोई आउटफिटर नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे लिए वैसे भी एक चीज लिए। नहीं जो भी लिए, लेकिन मैं, आप अपनी शॉपिंग करके आ गए, मुझे नहीं लेके खाना, जहाँ से खाना है जिस तरह का खाना खाना है मैं बनवा के देता हूँ। पेपर कैसा हुआ फिर पूछना। क्या हुआ? आए पकड़ी गई। अच्छा क्या करना चाह रही हो, कर लो ना। क्या चाह रही थी तुम? फेल्ड हो गया। अच्छा अच्छा, निकालो। एक मिनट, जिसने छिलका खाया
उसको 1000 रुपए इनाम। मैं खाऊंगी। जिसने छिलका खाया उसको शहीद आउटफिटर से वो जो बोलेगा वो दिलाएंगे। चलो डन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं होगा ना, बड़ा चैलेंज होगा। चलो बताएगा जो जो ऑरेंज वाला खा के दिखाएगा वो जीता। ये देखें। अब मैं सोचता हूँ और फिर आता हूँ। तो ये दोनों बोल रही हैं कि आउटफिटर्स के भूखे नहीं हम लोग, ये और ये करेगी चैलेंज। तो मैं तो हूँ ही नहीं इस चैलेंज में। तो आप आउटफिटर्स की भूखी नहीं है, आपने बोला आप भी नहीं है। मैं हूँ लेकिन अभी मुझे चाहिए। मैं अभी कुछ ऐसे मिर्ची मिर्ची नहीं खा सकती। मैंने बोला कि दोनों लाल मिर्चे खाओ और जिसको ज्यादा पहले मिर्चे लगी तो वो हार जाएगा। हार जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है ये मैडम आ चुकी है और हमारा अब नया चैलेंज फिर से स्टार्ट होगा। तो मैं कसम है भाई की, कसम नहीं। अब मजा आने वाला है वीडियो में बहुत, क्योंकि फिजा को मैंने पहले ही तपा दिया है और मजा आएगा वीडियो के बीच में तपाने में। मेरा और इसका मैच है तो, और जो जो हारा उसके बाल कटेंगे, फिर जो मैं जीता पाऊंगा तो तुमसे खेलूंगा, फिर उनमें से जो जीता। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा मैच फिजा के साथ। रॉक पेपर सीजर ज्यादा नहीं काटना, मैं मारूंगा। मैं अपने बाल लेके साइड हो गया। रॉक पेपर सीजर। मेरी बहन की जगह मुझसे खेलो ना तुम। मैं आप लोग को इसी तरह बोल रहा था कि मुझे जाना है पिज्जा के लिए, पिज्जा अच्छा के लिए पिज्जा फ्राइज लेने। नहीं, अब तो दोनों गए, चलो लाओ कैची लाओ। जानवर है छुप गई। पागल वाला दिया, बड़ा मजा आया। ये क्या किया? लेकिन किसने यहाँ क्या किया? चलो कौन जीता? जिसकी सुई अभी तक पैसों पे अटकी हुई है, पैसों का तो था ही नहीं। क्या लाने जो भी पिज्जा कह रही ले। अरे बताओ ना, पिज्जा बस पिज्जा फ्राइज और मैं कुछ नहीं। चलो ये तो आपके भाई ने सोचा थोड़ा नेट शेट लगा लिया जाए क्योंकि आप लोग को व्लॉग्स टाइम पे मिले, क्योंकि मैं डाटा पे अपलोड कर करके पागल हो गया हूँ। मेरा डाटा भी खत्म हो जाता है, मतलब एक व्लॉग पोस्ट करने बैठो तो वो मेरा 1.5-2 घंटे में जाके पोस्ट होता है। नेट लग गया है, व्लॉग्स आपको मिलेंगे टाइम पे फिक्स 2 बजे। और ये इनकी पार्टी यहाँ ऐसे चल रही है, मैं बेचारा देख रहा हूँ बस, क्योंकि मैं नहीं खा रहा। हाँ मैं डाइटिंग पे हूँ ना, यू नो मेरा दिल नहीं चाह रहा एक्चुअली, मोबाइल नहीं यूज करते खाते हुए। आ रही समझ? लड़की तो प्यारी है। मनाओ चाय, मैं और फिजा जा रहे हैं पॉइंटर लेने। मेरी चप्पल ऐसी नंगे पैर आ जाऊँ ना, ये लोही वाली पहन। देखो पहले कैंटीन खुली हुई है, मेरे चलने का फायदा ही है। हाँ खुली हुई है। यही भाग क्यों रही हो? आज भागम आप पकड़ पकड़ाई चले। ब्लैक पॉइंटर लेना है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ब्लैक पॉइंटर है? अब क्या करें? चीज ले लेना। अच्छी मुल्तानी मिट्टी है अंकल? नहीं नहीं, ये यहाँ पे अंकल को आके बोलिए कि मुल्तानी मिट्टी दे दे, मुझे खानी है। अंकल को मैंने मना कर दिया, आइंदा के बाद नहीं देंगे तुम्हें मिट्टी। पान मसाले दे दे चार। क्या पागल वागल हुई, कैसी चीजें खाने लग गई हो? बदतमीज। ये क्या लिए? डिमांडे करती हूँ अंकल से। अंकल बोल रहे हैं कि इसने मुझे खास डिमांड की भी कच्ची मुल्तानी मिट्टी की कि मुझे लाके दें। मैंने अंकल को मना कर दिया। अगर कोई पीआर है तो प्लीज मुझे कच्ची मुल्तानी मिट्टी भेजो पीआर के लिए। जब मैं छोटी होती थी बचपन में तो मैं दीवारें खा जाती थी। दीवार का एक कोना इतना सा होता था ना, कहीं उखड़ जाता था तो पूरा उखाड़ देती थी। और फिर मम्मा ने क्या किया था, सिर्फ मेरी वजह से ना, हाँ इसकी वहाँ पे हमने मिर्चें लगा दी थी और इसने जब खाया था ना उसके बाद से उसने नहीं खाई थी वो दीवारें। इसने क्या किया वहाँ जाके, इसने बोला अंकल पॉइंटर दे दे।
अंकल बोला पॉइंटर नहीं है तो बोलिए कच्ची मुल्तानी मिट्टी दे दे। अंकल से मैंने पूछा अंकल इसको नहीं दीजिएगा, बोलिए भाई ये तो डिमांड करती है यहाँ पे आके, इसकी वजह से तो मैं लाने लगा हूँ ये मुल्तानी मिट्टी। आज मुझे पता चल गया, अच्छा हुआ मैं इसके साथ चला गया, ये मुल्तानी मिट्टी वहाँ से खरीदती है, ये खाती है, तुम मना करो इसको। आपको पहले ही चले जाना चाहिए था ना साथ। यार मैं चाय आ गई है भाई, चाय ले आई है, ये चाय मैं खुद नहीं पीऊंगा, सबसे पहले फिजा को पिलाऊंगा क्योंकि फिजा को पसंद है चाय वगैरह। फिजा चाय पियो, तो बताओ इन्होंने कैसी चाय बनाई। अगर आइंदा ऐसी चाय बनाए तो ज्यादा बनाएगा। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या रिव्यू दिया है यार, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था ये बोले। तो फिजा ने तारीफ की है ये क्या हो? हमने लियो के लिए मैकडॉनल्ड्स मंगवाया है, लियो खाएगा ये लोग? नहीं लियो, पता नहीं किसका हेड बजा मैकडॉनल्ड्स, पता नहीं किसके नाम से ऑर्डर था ये केक तुमने मंगवाया है? केक फच तो केक तो नहीं है। आप खाते हो फच केक? मैं झूठ नहीं बोल रहा, केक नहीं है लेकिन केक नहीं है। क्या है, कैसे खाने, जो भी है जल्दी खाओ और बताओ कैसे है। चाय पी ली मैंने, उसके बाद अब कुछ दिल नहीं चाह रहा मेरा। सो गाइज ड्यू टू सम इशूज मैं आगे व्लॉग शूट नहीं कर सका, तो आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों ने लाइक करना है, कॉमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं अच्छे से और नए व्लॉग के साथ।